नमस्कार उत्तराखंड, लोकार्पण में आपका स्वागत है। एक खबर ने अभी अभी पैर पसारे हैं, जिसमें कि यह उल्लेख हुआ है कि माननीय महोदय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार लोगों के लिए आगामी मंगलवार यानी 31 मार्च को जिलों के बीच यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने की बात रखी गई है। और इसलिए राज्य सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि हम एक दिन का विंडो यानी कि मंगलवार 31 मार्च को सवेरे 7 बजे से रात के 8 बजे तक हम इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट खोलेंगे। जिन लोगों को भी अपने घरों के लिए जाना है, अपने जिलों के लिए जाना है, वो इस दौरान जा सकेंगे। खबर यकीनन अच्छी है, लेकिन अगर आप ध्यान दें, आज सुबह से चल रही इस घटना पर जो कि आनंद विहार बस अड्डे दिल्ली से है, दोस्तों आपको जानकारी होगी कि हजारों लोग इकट्ठा हो गए हैं अपने घरों को जाने के लिए। एक अजीब सी होड़ इन्होंने लगाई हुई है और इसी चक्कर में पिछले कई घंटों से वहां पर हजारों लोग तैनात हैं। दोस्तों, अगर गलती से भी इस भीड़ में एक या दो लोग कोरोना से पॉजिटिव मिले तो यकीनन यह माननीय मोदी जी की लॉकडाउन की सोच पर एक गहरा घाव छोड़ जाएगी। इसी तर्ज पर या फिर यूं कहें कि ऐसा ही एक प्रयास हम लोग उत्तराखंड में भी देखने वाले हैं। एक तरफ हम अपने गांव क्षेत्र में किसी अपरिचित या फिर परिचित को भी नहीं आना देना चाहते, चाहते हैं कि वो वहीं सुरक्षित रहें जहां वो बने हुए हैं, डटे हुए हैं। डर इस बात का है कि जब लोग एक तरफ दिमाग लगा चुके हैं कि कुछ वक्त अब ऐसे ही गुजरने वाला है, तो उसमें ये प्रयास कहीं खिलवाड़ न बन जाए। यूं तो दिल्ली सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि समस्त लोगों को जो दिल्ली से नहीं है, दिल्ली सरकार उचित व्यवस्था मुहैया कराएगी। लेकिन आज सुबह की एक गलत खबर ने कि आनंद विहार आईएसबीटी पर बसेस मुहैया कराई जाएंगी, तो लोगों ने भीड़ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। दोस्तों, अगर दिल्ली सरकार भी उचित व्यवस्था करवा रही थी तो क्या जरूरत पड़ गई थी लोगों को इधर से उधर जाने की? ये भीड़ मामूली भीड़ नहीं है दोस्तों। फिलहाल लोकार्पण की समस्त टीम सरकार के हर फैसले में उनके साथ खड़ी है, पर यह कितना आवश्यक है यह एक शोचनीय विषय है। अन्यथा पिछले कई दिनों से किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ न हो जाएं। उससे अच्छा विकल्प ये हो सकता था कि लोग जो जहां बने हुए हैं वहीं बने रहें, और अगर उन्हें कुछ परेशानियां हैं तो उनको वहीं उचित स्थान पर उचित हल मुहैया करा सकते थे। आप लोगों से भी लोकार्पण परिवार करबद्ध निवेदन करता है कि यथा स्थिति में बने रहें, जब तक कि अत्यंत आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें। उत्तराखंड की सुंदरता, व्यवस्था और ये सुंदर वातावरण तभी तक सुसज्जित है जब तक कि देवभूमि के समस्त जनमानस स्वस्थ और सुरक्षित हैं। अनायास प्रयास ना किए जाएं तो बेहतर रहेगा। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो इस तथ्य को इतना फैलाओ कि ये समस्त जनता की आवाज बन जाए और 31 तारीख से पहले पहले इस बात पर संगीनता से एक बार और सोचा जाए। और अगर जिलों के बीच में आवागमन अत्यंत आवश्यक है तो यथावत सुरक्षा का भी विशेष विशेष ध्यान रखा जावे, तो ये मुमकिन हो पाएगा। दोस्तों, इटली से, अमेरिका से और अन्य देशों से बहुत ही भयानक तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। हमारा उत्तराखंड, हमारा भारतवर्ष अभी भी बचने की कगार पर है, तो हम ऐसे रिस्क ना लें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने समाज को सुरक्षित रखें। लोकार्पण की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अवश्य फैलाएं। नमस्कार, जुड़े रहें लोकार्पण न्यूज से। धन्यवाद।